आज का वर्ड विशेष उन लोगों के लिए है जिनका माइंड सारा दिन चलता रहता है, जिनका मन सारा दिन भटकता रहता है। कभी वो माउंटेन पे रहते हैं, कभी वो वैली में रहते हैं, कभी उनका मन पहाड़ों पर रहता है तो कभी खड्डों में पड़ा रहता है, कभी कभी वो परम पवित्र स्थान में रहते हैं तो कभी कभी तंबू के आसपास भी नहीं दिखते हैं। आज मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ मैं वर्ड शेयर करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, देखिए, माइंड को डिस्ट्रैक्ट होना, माइंड का यहां वहां फिरना बहुत ही नॉर्मल चीज है। याद रखिए, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जिस मन को सारा दिन जो भटकता है वो खुदा को भी नहीं जान सकता। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले एक नबी था। प्रभु ने उसे कहा कि इस देश में जा और उन लोगों को समझा कि वो गुनाह ना करें। पर जानते हो बाइबल क्या बताती है, वो वहां न जाके कहीं और गया, और जिस जहाज पे वो चढ़ा उस जहाज पे तूफान आया, लोगों ने उसे उठा के फेंक दिया। और जानते हो, जब वो मगरमच्छ के पेट में था और वो निकलने की कोशिश कर रहा था, नहीं निकलने के बाद उसने एक लाइन कही थी उस मगरमच्छ के पेट के अंदर, उस मछली के अंदर। उसने कहा, जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। आप जानते हैं, ये योना के वर्ड्स थे। इस बात को याद रखिए, अगर आपका मन भटकता है तो ये कोई पाप नहीं है, अपने आप को कोसिए मत। लेकिन ये एक ऐसी कमजोरी है जिस पे हमें जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है जिसने मन को जीता उसने नगर को जीता है। और अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मन सारा दिन भटकता रहता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका फोकस ठीक नहीं है, तो आज आपको बहुत कुछ डीपली कुछ सीखने की जरूरत है। आप जानते होंगे कि यीशु एक ट्रेवलर प्रीचर थे। हमेशा वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते थे। कभी वो गलील में, कभी वो यरूशलेम में, कभी वो बतस्ता में, कभी वो खुराजीन में, कभी वो यरूशलेम में रहते थे, कभी वो अलग अलग प्लेसेस पे वो घूमते थे। और ऐसा भी होता था कि वो कई बार लोगों के घरों में पर्सनली विजिट करते थे। जकई के घर में उन्होंने विजिट की, एक शिमोन नाम का एक फरीसी था, कोड़ी जिसके लिए लिखा है, शिमोन कोड़ी के घर में वो गए, वहां पर उन्होंने विजिट किया, अलग अलग जगहों पे उन्होंने विजिट किया। एक बार तो वो पतरस की सांस को ठीक करने के लिए उनके पास गए। बाइबल बताती है यीशु एक और घर में जाते थे जिसका नाम था मार्था और मरियम, और इनका एक भाई भी था लाजर। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु एक दिन इनके घर में गया। मरियम जैसे उसने यीशु को देखा कि वो यीशु आए हैं, वो उनके पैरों पे बैठ गई और वो सुनना चाहती थी। उसने अपना फोकस यीशु के वर्ड्स की तरफ लगा दिया कि यीशु क्या कहना चाहता है। लेकिन बाइबल बताती है एक और बहन थी जिसने इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट न समझ के वो शायद कुछ काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी, क्या कर रही थी वहां पर नहीं लिखा है, लेकिन वो कुछ काम कर रही थी। और अब देखिए, इस बहन का ध्यान कहाँ कहाँ है। सबसे पहले ये बात जानती थी कि यीशु आया हुआ है, वो यीशु के पास नहीं बैठी थी, वो कुछ काम कर रही थी। अब देखो, यीशु घर पे आया है, वो वहां नहीं बैठी है, लेकिन वो काम कर रही है। काम करते करते भी देखिए, उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है, उसको बार बार वो अपनी बहन को देख रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में बहुत बार हमारे साथ भी यही होता है। कई बार हम अपने दिमाग को देखते हैं, वो एक जगह पर रुकता नहीं है, अलग अलग जगहों के बारे में सोचता रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब मार्था और मरियम इन्होंने देखा कि यीशु मसीह उनके घर में आए हैं, मरियम जो थी वो उसके पैरों पे बैठ गई क्योंकि वो सुनना चाहती थी कि यीशु क्या बोल रहा है। लेकिन मार्था वो कुछ काम करने लगी, और काम करते करते उसने क्या देखा कि मरियम उसकी हेल्प नहीं करवा रही है। अब जरा सोचिए, वो काम भी कर रही है, उसका ध्यान कहीं और भी है, और मरियम जो है उसका ध्यान कहीं नहीं है, वो सिर्फ यीशु को देख रही है। आप में से कितने लोग इन दो पोजीशंस को देख पा रहे हैं? जो खड़ी है वो डिस्टर्ब है, लेकिन जो बैठी है वो रेस्ट में है। क्यों? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद
उठा लिए गए और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गए। बैठना एक रेस्ट की प्लेस है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपका मन जो है वो ऐसा हो बिल्कुल मार्था की तरह कि यीशु घर में आया है उसके बाद भी वो काम कर रही है और वो उस काम में भी ध्यान नहीं दे पा रही है, उसका ध्यान है अपनी बहन में। और वो यीशु को आके कहती है कि क्या तुझे चिंता नहीं है, क्या तू परेशान नहीं होता, ये देख नहीं रहा है कि मैं अकेले काम कर रही हूं, ये मुझे करने के लिए, ये मुझे हेल्प करवाने के लिए नहीं आ रही है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज कई लोगों की दिशा भी बिल्कुल ऐसी है, उनके जीवन में यीशु मसीह आया हुआ है फिर भी उनका मन तरह तरह की बातों में भटकता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कभी वो क्या सोचते हैं, कभी वो क्या सोचते हैं, पता नहीं, सारा दिन इनका मन जो है भटकता ही रहता है। अगर आज आप इस चीज से आजाद होना चाहते हो तो अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। याद रखिए, मार्था और मरियम दोनों स्ट्रीम्स हैं, ये दोनों जीवन है। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर ने उनके सामने दो पेड़ रखे थे, आदम और हवा के सामने, और प्रभु ने कहा था कि मैंने तुम्हारे सामने कुछ रखा है, मैं चाहता हूं तुम सब खा सकते हो सिवाय एक को छोड़ के। आप जानते हो जो दो पेड़ थे वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो दो जीवन जीने के तरीके हैं। प्रभु ने कहा जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का खा लोगे उसी दिन तुम मुझसे अलग हो जाओगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। याद रखिए, जैसे आदम और हवा ने चूज किया कि वो खाएंगे, उसके बाद देखिए इंसान को अंदर अकल आ गई, वो खुदा से अलग हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इससे पहले जो दो पेड़ थे, एक को तो उन्होंने खाया, लेकिन जो दूसरा जो वहीं पर था उसको उन्होंने नहीं खाया, जो दर्शाया जाता था जीवन का वृक्ष, कि एक ऐसी लाइफ जो परमेश्वर पर डिपेंड है, जो उसकी अगुवाई से चलती है, जो उसे पूछ के करती है, जो उसको प्रेस करती है। आदम और हवा के सामने दो जीवन रखे गए थे, आदम और हवा ने ये चूज किया। जब मूसा कनान के बॉर्डर पे पहुंचा तो मूसा ने इसराइलियों को जानते क्या कहा, मैंने तुम्हारे सामने जीवन के वचन रखे हैं और मैंने तुम्हारे सामने वो भी बातें रखी हैं जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर श्राप लेके आ सकती हैं। ये सारी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, मानोगे तो सारी आशीषें मिलेंगी, नहीं मानोगे तो ये श्राप, न चाहो तो भी आ पड़ेंगी। परमेश्वर ने वचन की शुरुआत की भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से, और परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष भी रखा था ये देखने के लिए कि आदम क्या चुनेगा। इसराइल के सामने भी मूसा ने दो चीजें रखी थी, ब्लेसिंग एंड कर्स, ये देखने के लिए क्या चूज करेंगे। नए नियम के अंदर यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने जानते क्या कहा, उन्होंने वहां पर कहा कि एक ऐसा दरवाजा है सकरा मार्ग जो बहुत छोटा है, एक है चौड़ा फाटक। प्रभु ने हमारे सामने भी दो जीवन रखे, वैसे ही मार्था और मरियम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है बाइबल का, ये दोनों जीवन जीने के तरीके हैं। एक तरीका है कि इससे पहले कि मैं कुछ काम करूं उससे पहले मैं खुदा के पास बैठूंगा, लेकिन दूसरा तरीका है मैं सब कुछ पहले कर लूं उसके बाद मैं खुदा के पास आऊंगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप किस स्ट्रीम में हैं, इन विच स्ट्रीम यू आर? क्या आप मरियम की तरह हैं, पहले उसको सुनते हैं फिर आप काम करते हैं, कि आप मार्था की तरह हैं उसके साथ न बैठकर आप सिर्फ काम करते हैं और आपका मन भटकता रहता है, फिर आप शिकायत करते हैं खुदा है तो फिर जिंदगी ऐसी क्यों है? जिंदगी बहुत अच्छी है, आपने तकलीफें इनवाइट की हैं लाइफ में। कई लोग कहते हैं मेरे भाई मुझे बता कि मेरे लाइफ में प्रभु ने इतनी प्रॉब्लम्स क्यों अलाउ की हैं। बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रभु ने प्रॉब्लम अलाउ नहीं की है, हमने इनवाइट किया है। जरा सोचिए, अगर आपके पास 3,000 रुपए हैं और अगर आपको 1 मंथ तक वो यूज करने हैं, तो अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको प्रतिदिन 100 रुपए खर्च करने हैं, लेकिन आप मॉल में गए और आपने मॉल में बहुत सारी चीजों से टेम्प्ट होकर आप लेकर आए, 3,000 रुपए आपने 2 दिन में उड़ा दिए, अब 28 दिन बचे हैं और अब आप एक एक से बोलते हो कि मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, मैं अगले महीने दे दूंगा, और फिर जब आप पैसे लौटा नहीं पाते हैं तो वो लोग आपको तंग करते हैं और आप कहते हैं मुझे प्रभु परीक्षा में डाल रहा है। ये कैसी लाइफ है हमारी, जरा सोचिए।
आप जानते हैं मार्था और मरियम एक्सट्रीम्स हैं, दो लाइफ जीने के तरीके हैं। याद रखिए, इससे पहले कि आप मार्था की तरह काम करें, उससे पहले आपको मरियम की तरह बैठना है। जानते हो बैठने का अर्थ क्या होता है? जब मरियम उसके सामने बैठी थी तो मरियम सिर्फ वहां बैठी नहीं थी, वो प्रभु की उपस्थिति में उसके साथ संगति में थी। लेकिन मार्था दूर थी, उसका माइंड भटक रहा था। याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि उठने के बाद आपका मन स्थिर हो तो सबसे पहले बैठना सीखिए। जानते हो बैठने का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो यीशु मसीह क्यों मरा? अगर आप ये जानना चाहते हैं होल पर्पस, हो सकता है आपको सिर्फ सिर्फ इस एबीसीडी की 4-5 लाइंस पता हैं, लेकिन होल नहीं पता है। कई लोगों से मैं पूछता हूं, भाई मुझे बताइए यीशु मसीह क्यों मरा, तो मुझे वो कहते हैं यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। अगर आप इतना ही जानते हैं तो आप बहुत कम जानते हैं। रीड कीजिए यशाया 53वां अध्याय, वहां पर लिखा है, वह हमारे लिए कुचला गया, उसे बेदा गया, प्रभु ने उसे मारा, उसे रोगी किया, वो दुखी पुरुष था। सब बताने के बाद जानते वो क्या कहता है? वो कहता है, ये सब होने के बाद प्रभु अपने वंश को वापस पाएगा। यीशु मसीह सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए नहीं मरे, लेकिन यीशु इसलिए भी मरे ताकि परमेश्वर का वंश, हम लोग उसकी संगति में पहुंचे। वह इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। अगर आप परमेश्वर के साथ संगति में नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने यीशु के मरने का पर्पस ही नहीं समझा है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि खुदा ने मुझसे इतना प्यार किया कि उसने मुझे पाने के लिए अपने आप को दे दिया, वो आत्मी उसके प्रेम की वजह से बार बार उससे मिलता है। यदि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु से मेल रखें, पॉल कहता है रोमियो में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप अपने भटकते हुए मन पर विजय पाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ बैठना सीखना है। एक ऐसा जीवन है जो मार्था की तरह है, खुदा के साथ नहीं बैठना है। सारा दिन मिनिस्ट्री करनी है, सारा दिन जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, नथिंग इज रॉन्ग, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रायोरिटीज गलत है। आप जानते हैं, इससे पहले कि आप मार्था की तरह काम करें, आपको मरियम की तरह उसके साथ बैठना है। बैठने का मतलब क्या होता है? कई बार आपको खुदा के साथ बैठ के वचन पढ़ना है, इस तरह से कि आप एक ट्यूशन पे हैं, वो आपके सामने बैठा हुआ है और आप पढ़ते रहते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता है। जैसे कलाम में भी लिखा है, जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन कहां से वो देगा आपको? वचन में से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के साथ बैठने का मतलब है वचन पढ़ना। प्रभु के साथ बैठने का मतलब है प्रेयर करना। प्रेयर करने का मतलब आप जानते हो, सिर्फ रिलीजियस और लॉ के हिसाब से प्रेयर्स नहीं कि बस मुझे सवेरे 11 बजे उठना है, 12 तक सिर्फ बक 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 करनी है, जो मैं रोज बोलता हूं मुझे वो बोलना है। नो, प्रेयर करने का मतलब होता है अपने पूरे अंदर को खुदा के सामने उंडेल देना कि प्रभु हां मैं इस बात में कमजोर हूं, प्रभु हां मुझसे पाप होता है, हां प्रभु मैं इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता हूं। अपनी सारी कमजोरियां खुदा के सामने उंडेलने का मतलब होता है दुआ करना। कई बार आप जब प्रभु के साथ बैठते हैं तो आप बाइबल पढ़ने के द्वारा बैठे, कई बार आप दुआ करते हैं, कभी कभी आप सिर्फ अन्य भाषाओं में बात करते हैं और आप उस समय भी खुदा के साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रभु की आराधना करते हैं, वो गीत नहीं जो सब लोग गाते हैं, वो गीत जो आपकी स्पिरिट को मूव करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुदा के साथ बैठते हैं। आप जानते हैं सबत के दिन इज़राइल के लोग क्या करते थे? जिस दिन उनको कोई काम नहीं करना रहता था, वो उस दिन अपने घर पे बैठकर उन दिनों को याद करते थे जब परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया था। वो उसके उपकारों को याद करते हैं। इसीलिए बाइबल बार बार कहती है, मैं तुम्हारा वह परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया हूं। क्या आप जानते हो
ये सारे काम प्रभु की संगति में किए जाते हैं, ये सारे काम कमरा बंद करके एक जगह पर बैठ के किए जाते हैं। कभी बाइबल पढ़ी जाती है, कभी दुआ की जाती है, कभी अन्य भाषाओं में बात की जाती है। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उससे महान वरदान आपके पास है, परमेश्वर की बड़ाई करना, उसको प्रेस करना। आप जानते हैं जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं, टंग्स में बोलते हैं, उसके उपकार याद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब होता क्या है? आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू होते हैं और वही पवित्र आत्मा आपके मन को स्थिर करता है। यही काम यीशु जैतून पर्वत पर, जंगलों पर, गार्डन्स में जाके करता था और उसके बाद लोग उसे कहते थे, बाल जबूल है तू, दुष्ट आत्मा है तू, पेटू है, पियक्कड़ है। उसका ध्यान कहां नहीं भटकता था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे, ब्रदर यीशु तो परमेश्वर था। बिल्कुल, लेकिन यह भी याद रखिए, यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी कहता था। उसने इंसान बन के हर वो काम करके दिखाया जो उसको देखकर हमें सीखने की जरूरत थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि एक दिन वो आपके सर पे टच करेगा और आपका मन भटकना बंद हो जाएगा। आपका काम है प्रतिदिन अपने आप को भरना। यीशु ने तब तक उन मटकों में दाखरस नहीं बनाया जब तक चेलों ने, लोगों ने पानी नहीं भरा। आपका काम है प्रतिदिन मरियम की तरह उसके सामने बैठकर ये सब करना। और ये सब लॉ के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि आज से आप शुरू कर दोगे कि भाई सूरज भाई ने मुझे बोला है इसलिए मैं कर रहा हूं प्रभु। नो, आप ये बात जानिए, आप उसका वचन पढ़ रहे हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, आप उसके सामने दुआ कर रहे हैं जो आपकी केयर करता है, आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं जो सच में योग्य है, आप उसकी आराधना कर रहे हैं जो सच में आपसे प्यार करता है। हर चीज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कानून है, सब चीजें इसलिए की जाती हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यीशु ने ये नहीं कहा जो मुझसे डरते हैं वो मेरे नियमों को पालते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डोंट जस्ट फॉलो द लॉ एंड रूल्स, फॉलो जीसस, वो आपसे प्यार करता है। अगर आप मार्था की तरह आपका मन भटकता रहता है बहुत सारी चीजों में, निकलिए मार्था से, मरियम में आइए, मरियम में आइए, बैठिए उसके साथ, वो आपको भरेगा। आज इस वीडियो को पूरा होने के बाद आप में से हर व्यक्ति, इस वीडियो को पूरा करने के बाद हर व्यक्ति ये कन्फेस करे और कमेंट करे कि इससे पहले कि मैं मार्था बनूं, उससे पहले मुझे मरियम बनना है। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं, अब लगभग मैं इस मैसेज को पूरा करने पर हूं, आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट टाइप कीजिएगा और कन्फेस कीजिएगा, पहले कन्फेस कीजिएगा फिर टाइप कीजिएगा कि इससे पहले कि मैं मार्था बनूं, मैं प्रभु की सेवा करूं, उससे पहले मुझे मरियम बनना है, प्रभु की आवाज को सुनना है, उसके साथ संगति करनी है। यही एक तरीका है आपके भटकते हुए मन को वश में करने का। आप और मैं चाहकर भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ समय बिताते हैं वो हमें भरता है, वो हमें वो योग्यता देता है और वो हमें आत्मा से भरता है। वही पवित्र आत्मा हमें यीशु की तरफ देखने में और मन को स्थिर करने में मदद करता है। याद रखिएगा, हम पुरानी वाचा में नहीं रहते हैं जहां ये लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हम नई वाचा में रहते हैं जहां पर लिखा है मन को अनुग्रह से दृढ़ होना बला है। बाय द ग्रेस। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको ये वर्ड दिखा देता हूं। बहुत लोग इस वर्ड को नहीं जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इब्रानियों 13 और उसका 8वां वचन, 9वां वचन, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ क्योंकि मन का
अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि खाने की वस्तुओं के द्वारा जिनमें काम, सॉरी आगे नहीं जाऊंगा, यहां लिखा है मन अनुग्रह से मजबूत होता है। अनुग्रह किसके पास है? बाइबल बताती है अनुग्रह का आत्मा, होली स्पिरिट के अंदर ग्रेस है आपके माइंड को कंट्रोल करने की। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज जितने भी लोगों ने कलाम सुना, तेरे वचन को सुना, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी तेरे हर बच्चे पर प्रभु तू दया और अनुग्रह कर। होने दे प्रभु के आने वाले दिनों में हम अपने मन में आने वाले विचारों पर जय पाएं, हमारा मन भटकने से बचे और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं खुदा, यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है तो यीशु मसीह के नाम से वो सारे डिप्रेशन के बॉन्डेजेस यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए। तेरी दया, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर हो, हर एक की जरूरत पूरी कर प्रभु। मैं तुझसे ये विनती करता हूं, मैं तुझे सारी महिमा और आदर देता हूं, विश्वास करता हूं कि आपने मेरी दुआ को सुना, यीशु के नाम में आमेन एंड आमेन।